तो दोस्तों फाइनली वेट इज ओवर बिकॉज रॉयल एनफील्ड हैव लॉन्च इट्स वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बाइक सुपर मेटियोर 650। दोस्तों बात करें इसके लुक की तो ये एब्सोल्युटली गॉर्जियस लगती है, बहुत ही बल्की है एंड ये कंप्लीट टूरिंग पैकेज होने वाला है एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर। अगर मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड ने इसे बेसिकली टू वेरिएंट में लॉन्च करा है, एक है सुपर मेटियोर 650 एंड दूसरा है सुपर मेटियोर 650 टूरर जो कि आपको 7 कलर वेरिएंट में देखने को मिलती है। एंड अगर इसके कलर की बात करें तो आपको ड्यूल टोन कलर मिल जाता है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड दोस्तों इसके साथ आपको मिलता है पैरेलल ट्विन 648 सीसी का इंजन विथ अपसाइड डाउन फॉग जो कि काफी अच्छा लगता है एंड बहुत ही पावरफुल होने वाला है क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छी क्रूजिंग स्पीड मिलने वाली है, बहुत ही अच्छा टॉर्क मिलने वाला है जो कि अपहिल्स पे काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों जो क्रूजिंग स्पीड की जो कमी फील होती थी ओल्ड मेटियोर में 50 में जो कि 110 तक जाती थी, इसके साथ क्रूजिंग स्पीड थोड़ी बढ़ जाने वाली है क्योंकि इंजन बहुत पावरफुल होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों स्प्लिट सीट का आपको सेटअप मिलने वाला है जो कि काफी लो है एंड काफी कंफर्टेबल होने वाली है। एंड अगर मैं हेडलैम्प की बात करूँ तो पूरा LED होने वाला है जो कि पिछले मेटियोर में हेलोजन बल्ब के साथ मिलता था। अगर बात करें मीटर की तो फुल्ली डिजिटल होने वाला है एंड इसके साथ भी आपको ट्रिपल नेविगेशन देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो काफी अमेजिंग लग रही है ये बाइक। एंड अगर पूरे स्टैंड की बात करें तो ये ओल्ड मेटियोर जैसी ही लगती है लेकिन हाँ काफी बल्की है। एंड अगर बात करोगे बैक से तो सेम सेटअप देखने को मिलता है जो कि आपको ओल्ड मेटियोर में दिखता है लेकिन पीछे से काफी बल्की होने वाली है क्योंकि टायर साइज में चेंज है। एंड अगर इसकी बैचिंग की बात करें तो देख सकते हो आप कंप्लीटली डिफरेंट बैचिंग है इसके साथ जो कि आई थिंक ओल्ड बुलेट के लोगो को रिजेंबल करता है बट प्रीमियम लुक ऐड कर रहा है इसी के साथ साथ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बाइक क्योंकि यार मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं स्विच करूँ 650 इंजन के साथ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पुरानी मेटियोर में तो मुझे सिर्फ दो चीज़ों की कमी लगती थी। पहली उसकी क्रूजिंग स्पीड, क्योंकि हाईवेज पे 100 मुझे थोड़ा बहुत कभी कभार कम लग जाता है तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव यू नो हायर क्रूजिंग स्पीड। एंड उसी के साथ साथ साउंड, यार साउंड अगर बाइक में ऐड हो जाए ना तो भाई मज़ा ही आ जाता है। तो ये दो चीज़ें इसी के साथ आने वाली है प्लस इसके साथ LED सेटअप एंड काफ़ी सारे फीचर आने वाले हैं। एंड दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ रियल में इसको देखने के लिए एंड आई माइट स्विच ऑल्सो। आप बताना कि क्या करना चाहिए क्योंकि यार ये बाइक मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है लुक वाइज भी एंड पावर वाइज भी, क्योंकि दोस्तों मेटियोर का जो स्टैंड है ना मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी भी मैं एक मेटियोर 350 ऑन करता हूँ एंड मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है उसको चलाने में एंड भाई बहुत ही बढ़िया बाइक है। तो 650 के साथ और पावर ऐड हो जाएगी एंड साउंड ऐड होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है इस बाइक के साथ। तो दोस्तों दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो क्योंकि भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली इस बाइक को देख के। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू। एंड हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज उससे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए।